बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य प्रशासनिक गेट के सामने बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ का धरना लगातार जारी है। बता दें कि पिछली रात मूसलाधार बारिश में भी अप्रेंटिस प्रशिक्षु अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। वहीं विस्थापित अप्रेंटिस प्रशिक्षु ने बताया कि जब तक बोकारो स्टील प्रबंधक उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करते, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बता दें कि पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि बोकारो स्टील प्लांट का मुख्य प्रशासनिक गेट एडीएम बिल्डिंग लगातार 6 दिनों से बंद है। विस्थापितों ने कई बार प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रबंधन के अड़ियल नीति में बदलाव नहीं हो सका। वहीं अहम बात यह है कि आज संपूर्ण लॉकडाउन है, जहां सड़कों पर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में राज्य सरकार के गाइडलाइन को भी आंदोलनकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। संघ की मांगों को पूरा करें, अन्यथा हमने कहा था कि हम यहां से हिलने वाले नहीं हैं और ये धरना खत्म होने वाला नहीं है। आज भी हमें वार्ता का बात कहकर छलावा दिया गया और पिछली बार की तरह भी इस बार भी हमें जबरन उठाने की कोशिश की गई कि किसी तरह बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ अपना ये धरना खत्म कर दे। लेकिन आप पुलिस प्रशासन और प्रबंधन, आप कुछ भी कर लीजिए, बोकारो विस्थापित अप्रेंटिस संघ बिना अपनी मांगे मनवाए ये धरना खत्म नहीं करेगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय हिंद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।